हेलो जी, नमस्कार दोस्तों। सरगम म्यूजिक जॉन चैनल में फिर से स्वागत अभिनंदन। आशा करता हूँ दोस्तों उस परम शक्ति परमात्मा परम ईश्वर अल्लाह गॉड एक ओंकार का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे दोस्तों। तो फिर से एक और नए लेसन के साथ नया वीडियो लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हुए हैं दोस्तों। तो आज हम हारमोनियम के द्वारा एक बहुत ही खास लेसन के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं, खासकर बिगिनर्स भाई बहनों के लिए और जो नए लोग संगीत से जुड़ रहे हैं उन सभी के लिए। तो सबसे पहले चैनल पर मेरे जितने भी सब्सक्राइबर भाई बहनें जुड़े हैं उन सभी को मेरे चैनल की तरफ से तहे दिल से प्यार भरा नमस्कार, और जो भी नए लोग चैनल पर जुड़ रहे हैं उन सभी को तहे दिल से मैं नमस्कार करता हूं दोस्तों। तो लेसन क्या है आज का, शुरू करने से पहले आपको इसके बारे में बता दिया जाए तो ये जो इम्पोर्टेंट आज का लेसन है इससे क्या होने वाला है, हम अपने गले के अंदर मुर्गियाँ कैसे ला सकते हैं। तो मुर्गियाँ लाने के लिए एक खास अलंकार मैंने तैयार किया हुआ है आप लोगों के लिए। आशा है आप लोग इसे समझेंगे और इसका अभ्यास करेंगे। दोस्तों गुजारिश करूंगा, यदि चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ शेयर लाइक कमेंट करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए लेसन की तरफ बढ़ते हैं। तो अलंकार किस प्रकार से है, जैसा कि हमेशा मैं आपको मध्य सप्तक पहली काली सी शार्प से बताता हूं, उसी प्रकार आज मैं आपको इस लेसन के बारे में बताऊंगा किस प्रकार से हम अपने गले के अंदर जो है मुर्कियां हरकतें ला सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है तो आप लोग इसको जरूर अभ्यास करेंगे। तो देखिएगा, हमेशा की तरह जैसे कि नीचे की तरफ मंद्र सप्तक होता है, बीच में मध्य सप्तक और ऊपर तार सप्तक। तो देखिएगा, ठाट बिलावल यानी कि सभी शुद्ध नोट्स के अंदर इस अलंकार का अभ्यास करेंगे। लेकिन अभ्यास कैसे करेंगे मैं सरगम तो बताऊंगा ही, लेकिन इसका अभ्यास आप लोग ज्यादातर, वो वेरी इंपॉर्टेंट ये बात है, ज्यादातर आकार में करेंगे। आकार में करेंगे तभी आपके गले के अंदर हरकतें आनी शुरू होंगी। जब किसी गाने के बीच में मुर्कियां अगर आप लगाना चाहोगे तो अगर एक हफ्ते तक इसका रियाज करोगे, 1 से 2 हफ्ता 3 हफ्ता, वैसे तो लगातार इसका अभ्यास होता ही रहना चाहिए, क्योंकि क्या है संगीत में अगर आप निरंतर अभ्यास करते रहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ प्रत्येक दिन नया सीखने को मिलता है। ये मेरा मानना है। आपके पास हारमोनियम है, कीबोर्ड है, पियानो है, जो भी है, अगर आप यदि प्रत्येक दिन अगर अपने लगन से मन से अगर संगीत में लगे रहते हैं तो कुछ ना कुछ आपको एक ना एक चीज नया सीखने को जरूर मिलेगा। तो इसीलिए हम ये बताते हैं और इससे जो है आपको स्वरों का नॉलेज भी होगा। तो चलिए दोस्तों, किस प्रकार का इसका पैटर्न है जानते हैं हारमोनियम के माध्यम से। तो ठाट बिलावल का पहले आरोह और अवरोह देखिएगा सभी शुद्ध नोट्स में, उसके बाद जो है अलंकार का पैटर्न आप लोगों को समझाएंगे। और दोस्तों एक बात जो मैंने भी कहा कि इसका जो रियाज है वो आप आकार में करेंगे तभी आपके अंदर जो है गले के अंदर हरकतें मुर्कियां आना शुरू होंगी। तो देखिए पहले सरगम मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद जो है आकार आलाप किस प्रकार तैयार करना है वो पूरा पैटर्न आपको बताऊंगा। तो देखिएगा, मध्य सप्तक की पहली काली सी शार्प से ठाट बिलावल का आरोह अवरोह, वैसे मैंने ऑलरेडी स्टिकर लगाए हुए हैं तो आरोह अवरोह आप समझ ही जाएंगे शुद्ध नोट कौन कौन से होते हैं। देखिए, सारे अब अलंकार के पैटर्न को समझिए। देखिए मैंने आज राइटिंग में आपको नहीं बता रहा हूं, स्वरों के बटनों के हिसाब से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिएगा तो पहला पैटर्न क्या है अलंकार का, सारे यहां तक जाना है, सा रे गा मा पा।
सभी शुद्ध नोटों का प्रयोग हो रहा है। तो देखिएगा सा रे गा मा पा, पांच स्वरों तक पहले जाना है। देखिए कैसे, सा रे गा मा पा, फिर वापस आना है म ग, दो स्वर बजेंगे पहले म ग, उसके बाद रे मा ग रे सा, फिर चार स्वर। जाते समय पहले पांच स्वर, आते समय दो स्वर, फिर थोड़ा ठहराव, उसके बाद जो है चार स्वर। किस प्रकार का पैटर्न बन रहा है देखिए, सा रे गा मा पा म ग, फिर रे मा ग रे सा, इस प्रकार का पैटर्न है। सा रे गा मा पा मा गा रे मा गा रे सा। अब ये पहला पैटर्न हो गया। अब इसको देखिए आकार में करेंगे। आकार में कैसे, वही हमें स्वरों का तो पता है कि किस प्रकार से स्वर चल रहे हैं, वैसे ही आकार करना है। तो कैसे, जब यहां से जाएंगे सा रे गा मा पा, पा पर थोड़ा ठहरा होगा, उसके बाद जब वापस आएंगे मा गा, गा पर थोड़ा ठहरा होगा मा गा, फिर उसके बाद रे मा गा रे सा, ये थोड़ा फास्ट होगा रे मा गा रे सा, सा पर ठहराव। ये पैटर्न है पहला। तो इसको एक बार आकार में करेंगे, देखिए लगातार इसको करें। जब आप इसको समझ जाएं उसके बाद अपनी स्पीड को बढ़ाएं तो देखिए क्या होगा, देखिए अपनी स्पीड को बढ़ाते रहना है। ये नहीं कि एकदम छलांग लगा देनी है, पहले समझना है उसके बाद इसको करना है। देखिए पहले आप जब स्टार्टिंग में जब जो है आराम आराम से जब सीखते हैं शुरुआत में, उसके बाद जब आगे आप तेज करने की कोशिश करते हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है और वो जल्दी हो जाता है। शुरू में समय दें, समय लगाएं, पहले समझें उसके बाद करें। स्टार्टिंग में ही आप लोग सोचें कि फटाफट फटाफट करना चाहेंगे तो ये नहीं होगा। स्टार्टिंग में आप समय देंगे तो ये आगे चल के आपको तेजी से गति से सीखने को या फिर आप सीख जाएंगे। तो देखिए ये पहला पैटर्न हो गया। अब बढ़ते हैं दूसरे पैटर्न की तरफ। चार पैटर्न है इसमें, तो दूसरे पैटर्न यानी कि दूसरे स्वर पर जाएंगे, रे पर जाएंगे। तो देखिए रे पर से जाने क्या होगा, रे से पांच स्वरों आगे तक जाएंगे। तो जैसा पहले सा से पांच तक गए थे, पांच स्वरों तक, और रे से अब पांच स्वरों तक जाएंगे। तो कहां तक आएगा देखिए, रे गा मा पा धा, देखिए 1 2 3 4 5 रे गा मा पा धा, ये हो गया। फिर उसके बाद वापस आते समय दो स्वर थे, यानी कि दो स्वर क्या होंगे देखिएगा, पा मा, देखिए क्या होगा, रे गा मा पा धा पा मा, फिर गा पा मा गा रे, ये पैटर्न है देखिए, रे गा मा पा धा पा मा गा पा मा गा रे, आ आ आ आ आ आ आ आ आ, इस तरह से करना है। पहले
समझना है स्लोली स्लोली, पहले स्लोली स्लोली उसके बाद फास्ट। जब आपकी स्पीड बढ़ेगी ना, आप खुद सोचेंगे, देखिएगा आपके गले के अंदर कोई गाना गाएंगे तो ऑटोमेटिकली उस गाने के अंदर मुर्की आना शुरू होगी, हरकतें आना शुरू होंगी। ये जो है पहले, लेकिन ये अभ्यास आपको जरूर करना है। देखिए हा, ये ऐसे भी कर सकते हैं, हा ये पहले आराम आराम से करें, लय में चलें, उसके बाद फिर हमिंग भी इसमें डाल सकते हैं अपने हिसाब से, जब आपका रियाज हो जाए तो इस प्रकार से। अब अगला पैटर्न, तीसरा पैटर्न देखिए। तीसरा पैटर्न यानी कि तीसरे स्वर गा पर आएंगे, गा से पांच स्वरों तक आगे जाएंगे। तो कहां तक आएंगे पांच स्वर? 1 2 3 4 5 नी तक आएंगे। देखिए तो क्या होगा, गामा पाधा नी, ये देखिए गामा पाधा नी धापा माधा पामा गा, इस प्रकार का पैटर्न बनेगा। गामा पाधा नी धापा माधा पामा गा, देखिए गामा पाधा नी धापा 1 2 3 4 5 6 7 आ, दो स्वर, फिर उसके बाद माधा पामा गा, फिर चार स्वर, जाते समय पांच, फिर आते समय दो, दो के बाद फिर उसके बाद पैटर्न थोड़ा घूमेगा, चार स्वर यानी कि माधा पामा गा, इस प्रकार का पैटर्न चलेगा। तो ये हो गया हमारा तीसरा पैटर्न। देखिए गामा पाधा नी धापा माधा पामा गा, आ, 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 ये पहले स्लो स्लो उसके बाद फास्ट। तो ये हो गए हमारे तीन पैटर्न। अब आते हैं चौथे पैटर्न की तरफ। देखिए चौथा पैटर्न अब हमारा आ जाएगा चौथा स्वर यानी कि तीसरा काला मध्य सप्तक का मा एफ शार्प। तो देखिएगा अब जो है कहां तक जाएंगे हम, पांच स्वर जाने हैं आगे, 1 2 3 4 5 सात तक चले जाएंगे। तो देखिएगा मा पा धा नी सा, देखिए मा पा धा नी सा, फिर क्या था दो स्वर नीचे आना था तो नी धा, देखिए मा पा धा नी सा नी धा, फिर पानी धा पा मा, इस प्रकार का पैटर्न था। पानी धा पा मा ऐसे चलना है। देखिए मा पा धा नी सा नी धा पानी धा पा मा, जब आप इसकी सरगम को समझ जाएं, उसके बाद आकार में लगातार अभ्यास करें, तो दोस्तों आशा है जरूर आपको कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। स्वरों का नॉलेज तो होगा ही, और जो है संगीत के बारे में भी आप इसको जानेंगे कि बीच में हरकतें मुर्कियां आपके गले के अंदर स्वाभाविक है कि ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाएंगी। तो ये पैटर्न है। अब चार पैटर्न, ये सात तक हमने कंप्लीट कर लिए। जब हम ये कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद हमें, जैसे हमने ये आरोह के रूप में आपको बताया यानी कि ऊपर को जाते समय, अब वापस आते समय हमको क्या करना है, देखिए वापस आते समय केवल सिंपल अलंकार हम प्ले कर देंगे। सिंपल अलंकार यानी कि देखिएगा कैसा करेंगे, देखिए सा से शुरू करेंगे, सा नी धा पा मा गा रे, देखिए ऐसे करेंगे यानी कि हमने कितने स्वर प्ले किए थे, पांच स्वर प्ले किए थे जाते समय, तो आते समय भी हम पांच स्वर प्ले करेंगे।
तो क्या करेंगे, सा नी धा प म, देखिए आ, फिर एक एक स्वर नीचे आते जाएंगे, पांच पांच स्वरों का पैटर्न रखते हुए एक एक स्वर नीचे आएंगे, तो कैसे करेंगे देखिए, सा नी धा प म, नी धा प म ग, धा प म ग रे, प म ग रे सा। और ये एक प्रकार का अलंकार है। आ, 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 ये इसको आप अवरोह समझें, यानी कि वापस आते समय इस प्रकार का पैटर्न करें, सा नी धा प म, नी धा प म ग, धा प म ग रे, प म ग रे सा। तो ये है। अब देखिए, अब थोड़ा फास्ट करते हैं, देखिए स्टार्टिंग से चार पैटर्नों को फिर क्या करते हैं, आरोह और अवरोह। तो देखिए आपका रियाज जो है कैसे करना है, तो केवल इसको आकार में करेंगे, देखिए पहला पैटर्न है ये, दूसरा पैटर्न, ये दूसरा पैटर्न, तीसरा पैटर्न, चौथा पैटर्न, ये चार पैटर्न हो गए आरोह के, अवरोह के फिर क्या है देखिए, तो ये तैयार करना है। पांच पांच का करना, सॉरी
ये पैटर्न है। जब स्पीड बढ़ा लेंगे तो देखिए स्पीड बढ़ाने से हरकतें आना शुरू हो जाती हैं। ये देखिए कभी कभी बीच में मिस्टेक हो सकता है, जब तक आपका लगातार अभ्यास ना हो, रियाज ना हो, मिस्टेक हो सकती है, बट आप कोशिश जरूर करें करने की। तो दोस्तों जब हमें स्वरों का ज्ञान हो जाता है तो हम फिर इस प्रकार से समझ जाते हैं कि कौन सा गाना कैसे बजाया जाता है। तो देखिए ला 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 ला, देखिए इस प्रकार से चलता है। भूलूं सा चेहरा तेरा, कलियों से मुस्कान है, रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। तो पहले गाने की धुन बनाई जाती है, उसके बाद गाने के शब्द बोल बनाए जाते हैं। ये मैंने पिछले लेसन में भी आप लोगों को बताने की कोशिश की है कि सबसे पहले गाने की धुन, वो
बनाई जाती है, आवाज बनाई जाती है, उसके बाद उसके अंदर शब्द डाले जाते हैं। आवाज है तभी तो शब्द है ना, ये समझना है। आवाज है तो ये शब्द है। देखिए ये आ, दिल दीवाना बिन सजना के आ, 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 तो देखिए इस प्रकार से जो है शब्दों का उतार चढ़ाव और ये समझना भी आपको जरूरी है दोस्तों। तो कैसा लगा दोस्तों ये प्रयास मेरा आप लोगों को बताने का, जरूर बताइएगा कमेंट करके। तो अभ्यास करते रहिएगा दोस्तों। तो फिर से मिलते हैं एक और नए लेसन के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक दोस्तों आप लोग विश्व के अंदर जहां कहीं भी हों हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा दोस्तों, खुश रहिएगा। धन्यवाद।